हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में कि यदि कोई मरीज है, यदि उसको गैस की समस्या हो गई है जिसके कारण से उसके पेट के अंदर जलन हो रही है या फिर चेस्ट के अंदर जलन हो रही है या फिर उसके खट्टी डकारी आ रही है, साथ में मुंह से बदबू आ रही है या फिर उसका पेट फूल गया है, तो इस प्रकार की यदि सिचुएशन में उसके कौन कौन से मेडिसिन लेनी चाहिए, आप सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको गैस्ट्रिक समस्या के ट्रीटमेंट के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि पेशेंट के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उसके पेट के अंदर जलन हो रही है, खट्टी डकारी आ रही है या फिर पेट फूल गया है, साथ में चेस्ट के अंदर भी जलन हो रही है, मुंह से बदबू आ रही है, ये सारी समस्याएं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो देखिए, यदि पेशेंट के चाहे किसी भी कारण से यह समस्या हो गई हो, यदि कोई अन्य प्रकार के मेडिसिन का उपयोग कर रहा है उसकी वजह से यदि उसकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की समस्या हो गई हो या फिर कोई खान पीन की वजह से उसके गैस्ट्रिक समस्याएँ हो गई है, तो देखिए अपन सबसे पहले टेबलेट फॉर्म में बात करें कि यदि गैस्ट्रिक समस्या हो जाती है तो अपन को कौन कौन सी टेबलेट्स का उपयोग करना चाहिए। तो अपन सबसे पहले टेबलेट्स के बारे में बात करें तो यदि पेशेंट के गैस्ट्रिक समस्या हो गई है तो आप रेंटेक 150 mg टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो गैस्ट्रिक समस्या के लिए ये जो मेडिसिन है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है रेंटेक के नाम से, आप इसे हर मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक समस्या से राहत देने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन कैप्सूल फॉर्म में बात करें तो आप पेंटापिराजोल 40 mg का कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। अपन इसके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो आप इसे पेंटॉप 40 के नाम से मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो कैप्सूल है आपको गैस्ट्रिक समस्या से बहुत ही अच्छी राहत देता है। यदि आपके गले के अंदर कुछ अटका हुआ महसूस रहता है तो उससे भी यह राहत देने का कार्य करता है। तो देखिए, अब अपन नेक्स्ट कैप्सूल की बात करें तो आप ओमिज कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। अपन इस कैप्सूल के अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर दिया हुआ होता है ओमिप्राजोल 20 mg, जो कि गैस्ट्रिक समस्या से राहत देने के लिए काफ़ी अच्छी मदद करता है। ये जो कैप्सूल मैंने बताई है और साथ में टेबलेट बताई है, यह आपकी गैस्ट्रिक समस्या से राहत देती है, पेट की जलन को रोकती है, खट्टी डकारों को रोकती है, साथ में यदि आपके मुंह से बदबू आ रही है या फिर चेस्ट के अंदर जलन हो रही है, उन सबसे ये जो टेबलेटें और कैप्सूल मैंने बताई है यह राहत देने का कार्य करती है। तो ये जो मैंने आप सभी को ये ट्रीटमेंट बताया है काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। आप डॉक्टर की सलाह लेकर इन कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं यदि आपको गैस की समस्याएँ रहती है। तो देखिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है कि यदि आपके गैस्ट्रिक समस्याएं हो जाती है तो कौन कौन से मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, सारी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली थी और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।